गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज का सेशन में हम लोग धमाकेदार क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो चलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और इग्नोर थोड़ा सा देखिए, इग्नोर नहीं कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी फीडबैक अगर आप लोग को कुछ देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, सूरज के साथ पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टान की रचना होती है, इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20। सही है एकदम। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान क्या कहलाती है? आग्नेय। एकदम सही। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? आग्नेय चट्टान को। सही है एकदम। आग्नेय सेल कहलाती है? मौलिक सेल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति का व्याख्यान करता है? उत्पत्ति का व्याख्यान करता है ना, भूकंप संबंधित। अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? क्रिस्टल कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, अपश्चकन। जलयोजन। अपश्चकन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जलयोजन। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब। निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? अवसादी, आग्नेय, कायांत्रित, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय। आग्नेय इसमें सही दिया है, लेकिन हमको लगता है इसका आंसर दूसरा होना चाहिए था। 42। 42 का बी मृत सेल बोल रहा है, मृत सेल, लेकिन पता नहीं। ठीक है, अच्छा अभी आंसर इसके अनुसार किताब के अनुसार सही है। आप लोग भी कमेंट करके रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगता है कि आंसर गलत बता रहे हैं तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड ने। बहुत गजब जवाब, खतरनाक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव, घनत्व। भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दीजिए। अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इक्लोजाइट। भूकंप अधिकेंद्र। गलत दे दिया है लगता है, इसका आंसर होना चाहिए था अधिकेंद्र, लेकिन आंसर दिया भूकंप केंद्र। राजू का भी आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर बोला, ठीक है, इसका आंसर दिया भूकंप केंद्र, लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार अधिक केंद्र होना चाहिए। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके, भूकंप में, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र होगा या अधिक केंद्र होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं हम लोग। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, कौन सी तरंगे होती है? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। भूकंप अधिकेंद्र। अंतः सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जाया भी था हाल फिलहाल में, ऑप्शन दीजिए। सार्क, सुनामी, स्केल कैम। सुनामी। तो समुद्र में जो आता है भूकंप उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रति चक्रवात। वही भूकंप, सबका ऑप्शन चाहिए था। पर विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन परिप्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागर पेटी। ऑप्शन फिर से बोलिए। परिप्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागर पेटी। परिप्रशांत। तो सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है प्रशांत महासागर में आता है, याद रखना, ठीक है। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरी भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? ज्वार भीति, सिचेस लहरें, सदाशिव, सुनामी। सुनामी।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। जापानी किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहरें कौन सी है? एस। भूकंप मापा जाता है खतरनाक इम्पोर्टेंट है एकदम होता है भूकंप मापा जाता है ना रिएक्टर स्केल में। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंप के तरंग। भूकंप के अध्ययन को बहुत इम्पोर्टेंट है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आ चुका है। समान भूकंप की तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सम भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा। सम भूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप को एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के जबरदस्त सेशन को देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन जरूर हिट करें ताकि जो भी वीडियो आप लोग तक पहुंचे। और आज से आएगा हमारे सूरज कुमार का क्या बोलते हैं रीजनिंग का वीडियो, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एक बार ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।